हाय एवरीवन, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज एम्प्लॉय रिटेंशन। नाउ स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से। मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हर 3-4 मंथ्स में एम्प्लॉय आते हैं, थोड़े समय काम करते हैं, चले जाते हैं। देन अगेन न्यू एम्प्लॉयज आए, थोड़े समय काम किया, 3-4-5-6-7-8 महीने काम किया एंड देन चले गए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि एम्प्लॉयज़ वहाँ पे अपना फ्यूचर फॉरसी नहीं करते हैं, अपना करियर उन्हें नहीं दिखाई देता है और वो उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक एम्प्लॉय जब आता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो आते ही प्रोडक्टिविटी नहीं देने लगता है। इट नीड्स 3-4 मंथ्स टू सेटल डाउन इन द ऑर्गेनाइजेशन, टू नो द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को वो समझता है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रेनिंग उसे दी जाती है, वो अपने उस न्यू एटमॉस्फेयर में सेटल डाउन होता है। तो इट टेक्स 3-4 मंथ्स कि वो उस एटमॉस्फेयर में अच्छे से सेटल डाउन हो जाए, अपने एम्प्लॉयर को समझ ले, अपने सबॉर्डिनेट्स को समझ ले, सुपीरियर्स को समझ ले। तो 3-4 मंथ्स इज ही इज़ एन एक्सपेंडिचर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन उस पर जितना खर्चा कर रही है या जितना उसे पे कर रही है, उस हिसाब से वो प्रोडक्टिविटी नहीं देता है। तो 3-4 मंथ्स में वो सेटल डाउन हो जाता है, सब कुछ समझ जाता है, धीरे धीरे उसकी प्रोडक्टिविटी इन्हांस होने लगती है। तो जब तक वो इन्हांस होना शुरू होता है तब वो उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला जाता है। इसका मतलब क्या है? अभी तक ऑर्गेनाइजेशन ने जो उस पर खर्च किया, टाइम खर्च किया, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में उसके खर्च किया, उसको पूरा ओरिएंटेशन दिया ऑर्गेनाइजेशन में, उसको सारी अपने पॉलिसीज प्रोसीजर्स कल्चर के साथ में फिट करवाया, तो इस सब में क्या हुआ? टाइम एंड मनी वेस्टेज हुआ ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि वो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोडक्टिव नहीं हो पाया, क्योंकि वो 3-4 जब तक उसका प्रोडक्टिव होने का टाइम आया वो छोड़ के चला गया। तो इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए दिस सिचुएशन इज नॉट एट ऑल प्रॉफिटेबल। ये उसके लिए एक एक्सपेंडिचर एक्सपेंसिव प्रोसेस होती है, या हम कह सकते हैं कि इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग रन तक कंटिन्यू नहीं कर सकती है। तो एम्प्लॉय रिटेंशन क्या होता है? एम्प्लॉय रिटेंशन का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू रिटेन इट्स एम्प्लॉय। ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी की वो जो एम्प्लॉय उसकी ऑर्गेनाइजेशन में उसने हायर कर लिया है उसे एज लॉन्ग एज पॉसिबल उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बना के रखे, ताकि वो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करके उसके लिए एक प्रोडक्टिव एसेट साबित हो। ठीक है, और वी कैन से एम्प्लॉय रिटेंशन रिफर्स टू द वेरियस पॉलिसीज इन प्रैक्टिसेस विच लेट द एम्प्लॉय स्टिक टू एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ना ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉयज़ को बात के तो रख नहीं सकती कि भाई नहीं, यू कैन नॉट गो आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ द विश ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कि वो जब चाहे ऑर्गेनाइजेशन से छोड़ के जा सकते हैं। बट हाउ कैन द एम्प्लॉयर कैन रिटेन द एम्प्लॉयज़? दे कैन रिटेन द एम्प्लॉयज़ थ्रू वेरियस पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। अपनी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस वो इस तरीके से बनाएं कि जो एम्प्लॉय है उसे उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने से जो उसका इंडिविजुअल गोल है वो पूरा होता दिखाई दे, उसे लगे कि हाँ भाई मेरा जो इंडिविजुअल गोल है वो मेरी इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने से पूरा होगा। तो इन दिस वे द ऑर्गेनाइजेशन विल स्टिक टू द स्टिक फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। नाउ नेक्स्ट हमारा आता है, तो दिस मीन्स दैट हमारा जो एम्प्लॉय रिटेंशन है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम एम्प्लॉयज़ को नहीं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में स्टिक करके रखेंगे या फिर ऐसे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स नहीं बनाएंगे जिससे कि उनको अपना फ्यूचर दिखाई दे उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या होगा? वो लोग छोड़ छोड़ के जाएंगे। इट वुड बी एन एक्सपेंडिचर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। हर थोड़े थोड़े समय में हमारी ऑर्गेनाइजेशन की नॉलेज बाहर चली जाएगी और इस तरीके से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में टैलेंट नहीं रह पाएगा। ठीक है, नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाई डू एम्प्लॉयज लीव। एम्प्लॉयज छोड़ छोड़ के क्यों जा रहे हैं? दे हैव अप्लाइड फॉर द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन, देन उन्होंने सिलेक्शन उनका हुआ, देन दे हैव डिसाइडेड उन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना भी शुरू किया, देन व्हाट हैपेंड कि उनको वो जॉब पसंद नहीं आई या उनको नहीं लगा कि उनका जो इंडिविजुअल गोल है वो पूरा हो पा रहा है।
नो, फर्स्ट है हमारा लीव एन ऑर्गेनाइजेशन आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। उसको वहाँ का एटमॉस्फेयर पसंद नहीं आया, कल्चर पसंद नहीं आया, उसको ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेस थी, उसको फ्रस्ट्रेशन हुआ, दैट इज़ व्हाई उसने उस ऑर्गेनाइजेशन में रिजाइन कर दिया। द अनदर रीजन कैन बी कॉन्स्टेंट फ्रिक्शन विद देयर सुपीरियर्स एंड अदर टीम मेम्बर्स। उस एम्प्लॉय का क्या था, कॉन्स्टेंट अपने सुपीरियर से या अपने टीम मेंबर से या अपने सबॉर्डिनेट से कॉन्स्टेंट फ्रिक्शन, लड़ाई झगड़े होते रहते थे, दैट इज़ वाई ही लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड हो सकता है कि उसको सैलरी अच्छी नहीं मिल रही हो या फिर कॉम्पिटिटिव सैलरी पैकेज नहीं मिल रहा हो। नेक्स्ट कैन बी लैक ऑफ ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, उसे ये नहीं दिखा कि उस ऑर्गेनाइजेशन में उसको फ्यूचर में कुछ ग्रोथ मिलेगी या फिर वो ग्रो कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट है लैक ऑफ मोटिवेशन, ही हैज़ नॉट बीन गिवन, उसको कभी कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, उसको कोई मोटिवेशन, वो कितना भी अच्छा काम कर ले उसको कोई मोटिवेशन नहीं मिलता है, रिवॉर्ड्स रिकॉग्निशन कुछ नहीं मिलता है, दैट इज़ वाई ही इज़ नॉट मोटिवेटेड टू वर्क इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट कैन बी लैक ऑफ रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन मिलता है तो वी गेट द मोटिवेशन। रिकॉग्निशन मीन्स फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक एम्प्लॉय को मिला कि ही हैज़ परफॉर्म वेरी वेल, ही गॉट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड, या इस तरीके से टीम में बेस्ट परफॉर्मर आप अवार्ड दे सकते हो, कुछ भी आप रिकॉग्निशन दे सकते हो जिससे कि उसको अपने एफर्ट्स के बदले में कुछ रिवॉर्ड रिटर्न में मिला है ऐसा लगता है। नाउ नेक्स्ट कैन बी लैक ऑफ टूल्स इन ऑर्गेनाइजेशन, में जो टूल्स एंड रिसोर्सेज हो वो इतने अप्रोप्रिएट नहीं है कि वो जो एम्प्लॉई है वो अपना टैलेंट दिखा सके या वो उनमें अच्छे तरीके से काम कर सके। एक्सेसिव ओवरलोड है ऑर्गेनाइजेशन में, एम्प्लॉयज़ कम है और काम ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, ट्रेनिंग नहीं दी जाती, लैक ऑफ ट्रेनिंग कैन बी वन ऑफ द रीजन कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ काम कराते हैं, दे डोंट गिव यू एनी न्यू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम सो दैट यू कैन आप अपने आप को अपग्रेड कर सको। पुअर सीनियर लीडरशिप, हमारा जो लीडरशिप है, जो हमारे सीनियर्स हैं, दे डोंट गिव लाइक हमें अच्छे से डायरेक्शन नहीं देते हैं, हमें अच्छे से लीड नहीं करते हैं या फिर हमें हमारा मॉरल बूस्टअप नहीं करते हैं, मोटिवेशन नहीं मिलता है, इट कैन बी वन ऑफ द रीजन कि लोग छोड़ के चले जाते हैं। पुअर कम्युनिकेशंस, ऑर्गेनाइजेशन का कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है, अच्छा नहीं है प्रॉपर, हमारे पास सारी इंफॉर्मेशंस नहीं आती हैं, प्रॉपर चैनल से इंफॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं आती हैं, लाइक कम्युनिकेशन नहीं अच्छे से होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में तो कोऑर्डिनेशन होने में बहुत मुश्किल होती है, विच मीन्स कि कॉम्प्लेक्स कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। नेक्स्ट है हमारा पुअर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ही हमारा क्या है, पुअर है, ठीक से चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही हैं, जिस समय जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो टाइमली हमें सप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो बिकॉज ऑफ पुअर मैनेजमेंट आपकी परफॉर्मेंस आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, इट कैन बी वन ऑफ द रीजन कि पीपल्स आर क्विटिंग द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा लैक ऑफ टीम वर्क, टीम वर्क जो है हमारा जो काम है वो हम टीम में बट के अच्छे से नहीं करते हैं, टीम वर्क अच्छे से नहीं हो पाता है बिकॉज इन द ऑर्गेनाइजेशन वी आर नॉट वर्किंग एज एन इंडिविजुअल, हमारा काम है, देन मेरी टीम है, मेरी टीम का मैं एक पार्ट हूँ, देन मेरी एक डिपार्टमेंट है मैं उसका पार्ट हूँ, देन मेरे डिपार्टमेंट के बाद मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ, तो ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ ग्रुप वर्क, इसमें कोई इंडिविजुअल वर्क नहीं होता है, तो अगर हमारा टीम वर्क नहीं है तो फिर हम अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, मैं जितना भी अच्छा काम कर रही हूँ बट मेरी टीम जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रही है तो माई वर्क वुड नॉट बी अप्रेस्ड। तो ये हमने पढ़ा कि वाई डू पीपल लीव द ऑर्गेनाइजेशन, क्यों हमने कहा कि अगर हमारे एम्प्लॉयज़ जल्दी जल्दी छोड़ के जा रहे हैं दिस मीन्स देयर इज़ सम प्रॉब्लम विद द ऑर्गेनाइजेशन, तो दीज आर द सम ऑफ द रीजन्स जिसकी वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉयज़ छोड़ छोड़ के जा सकते हैं। नाउ वाई इज़ रिटेंशन सो इम्पॉर्टेंट, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिटेंशन इम्पॉर्टेंट क्यों है, एम्प्लॉयज़ को अपने पास रिटेन करके रखना एज लॉन्ग एज पॉसिबल क्यों इम्पॉर्टेंट है। नाउ द रीजन इज फर्स्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ टर्नओवर, जब एक एम्प्लॉय छोड़ के जाता है ऑर्गेनाइजेशन से, हमने उसे ट्रेनिंग दी, हमने उसे डेवलपमेंट दिया, हमने उसको हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इंडक्शन दिया, पॉलिसी समझाए, सब कुछ समझाया, वो सेटल डाउन हुआ
और जब तक सेटल डाउन हुआ हमारा छोड़ के चला गया, देन रिक्रूटमेंट इज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस, रिक्रूटमेंट एंड सेलेक्शन इज ऑल्सो एन एक्सपेंसिव प्रोसेस, तो इन सारी चीज़ों में जो कॉस्ट लगी हमारी वो उसका हमें कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। तो दैट इज वाई वी से इट इज अ कॉस्ट ऑफ टर्न ओवर, मीन्स एम्प्लॉय का छोड़ के जाना। नाउ द कॉस्ट ऑफ टर्न ओवर इज हाई, दैट इज वाई वी हैव टू कीप द, अगर दोबारा से हमें सेम प्रोसेस करनी पड़ेगी देन इट इज ऑल्सो एक्सपेंसिव, पहली वाली जो हमने की है उससे हमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ, देन दोबारा से हम एक एम्प्लॉय हायर करेंगे, रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलेगी, सिलेक्शन प्रोसेस चलेगा, देन ट्रेनिंग चलेगी, डेवलपमेंट चलेगा, और उसको सेटल डाउन होने में जो टाइम लगेगा इट इज़ ऑल्सो एन एक्सपेंसिव प्रोसेस। तो हम कहते हैं एम्प्लॉय को छोड़ के जाना, एम्प्लॉय का रिटेन करके रखना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे हम हमारा जो कॉस्ट ऑफ टर्नओवर होता है उससे बचा सकते हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो अगर वो एम्प्लॉय जो आया है वो नहीं जाएगा तो हमें दोबारा से वो सारा एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा लॉस ऑफ कंपनी नॉलेज। हमारी ऑर्गेनाइजेशन से जब भी कोई एम्प्लॉय जाता है तो उसके पास हम क्या यूज़ कर रहे हैं, उसका नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड एंड फिजिकल स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो अगर वो जाएगा तो वो अपने साथ ये सारी चीज़ों को भी लेके जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी कंपनी की जो नॉलेज है वो चली गई। नेक्स्ट है डिसरप्शंस ऑफ कस्टमर सर्विस और प्रोडक्शन। हम कह सकते हैं जब एक एम्प्लॉय छोड़ के जाएगा तो उसकी जब तक रिप्लेसमेंट हम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में तब तक उसके बीच में जो हमारा टाइम गैप होगा उसमें क्या होगा, हमारे कस्टमर सर्विस डिसरप्ट होंगी या फिर हमारी प्रोडक्शन सर्विस डिसरप्ट होंगी, हमारी प्रोडक्टिविटी हैम्पर करेगी या हमारे कस्टमर सफ़र करेंगे। तो दैट इज़ वाई रिटेंशन इज इम्पॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट है हमारा टर्नओवर स्पाइरल्स इनटू मोर टर्नओवर। हमारा हम कहते हैं कि टर्नओवर अगर एक एम्प्लॉय छोड़ के गया तो इट इज़ कि मोर एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड कि नहीं देर आर अदर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल, तो उसकी उसकी वजह से क्या हो सकता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में और टर्नओवर बढ़ सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ वाई वी हैव टू रिटेन द एम्प्लॉयज फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल इन द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ हमने पढ़ा कि वाई रिटेंशन इज इम्पॉर्टेंट। नाउ रीजंस ऑफ रिटेंशन, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज स्किल्स टैलेंट वैल्यूज एप्टीट्यूड कमिटमेंट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन इज नोन बेटर बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। जो हमारा एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उसके टैलेंट के बारे में, वैल्यूज़ के बारे में, एप्टीट्यूड के बारे में, कमिटमेंट के बारे में हमें सारे, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो हमें उसके बारे में अच्छे से पता है। अगर वो कोई काम कर रहा है तो व्हाट वुड बी हिज प्रोडक्टिविटी या फिर उसका टैलेंट कहाँ पे इन्वॉल्व है, दैट वी आर अवेयर ऑफ। नेक्स्ट इज पोटेंशियल ऑफ न्यू एम्प्लॉय समटाइम्स मे बी अ मिथ। पोटेंशियल ऑफ न्यू एम्प्लॉयज मीन्स जो एम्प्लॉयज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अभी तक नहीं आए हैं, तो कई बार ये कहा जाता है कि न्यू एम्प्लॉयज आएंगे तो न्यू ब्लड ऑर्गेनाइजेशन में आएगा, तो न्यू हमारे इनोवेटिव आइडियाज आएंगे, तो इट इज़ नॉट ऑलवेज राइट। राइट ये कई बार एक मिथ भी हो जाता है कि न्यू एम्प्लॉयज आते हैं बट उनकी पोटेंशियल उतनी नहीं होती है। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ कल्चरल फिट इज जस्ट एंड टेस्टेड। हमारा जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हमने क्या कर लिया है, टेस्ट कर लिया है कि हाँ भाई वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर में फिट हो चुका है और उसको हम टेस्ट कर चुके हैं, ठीक है। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज एस्पिरेशंस एंड एक्सपेक्टेशंस, जो जो हमारा एक एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उसके बारे में ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से पता होता है कि उसके क्या एस्पिरेशंस हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, तो उसके बेसिस पे वी कैन सी हिज करियर ग्रोथ इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड एडजस्टमेंट स्टेज एंड इज इन कॉन्ट्रीब्यूटिंग द परफॉर्मेंस स्टेज। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज जो है हमारा, उसने क्या कर लिया है, एक एडजस्टमेंट स्टेज जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में होती है वो कंप्लीट कर ली है। जैसे कि मैंने कहा, एक एम्प्लॉय जब ऑर्गेनाइजेशन में आता है उसे अपने इन्वायरमेंट से फ्रेंडली होना पड़ता है, देन एडजस्ट करना पड़ता है, देन उसको अपना सीनियर सबॉर्डिनेट्स पॉलिसीज प्रोसीजर्स न्यू इन्वायरमेंट इन सब में एडजस्ट होना पड़ता है, तो उसने वो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है उसने वो स्टेज ख़त्म कर ली है और अब उसने हमारी प्रोडक्टिविटी में कॉन्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया है।
ठीक है, अब वो किस स्टेज में पहुंच गया, परफॉर्मेंस स्टेज में पहुंच गया है, जो एडजस्टमेंट स्टेज, स्टार्टिंग के जो 3 मंथ 3-4 मंथ्स होते हैं एडजस्टमेंट स्टेज, वो उसने फिनिश कर लिया है. नेक्स्ट, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज इज अवेयर ऑफ कंपनी एंड कम्युनिटी इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट. जो हमारा एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है वो हमारी कंपनी से क्या है, हमारे कंपनी के इन्वायरमेंट को क्लाइमेट को अच्छे से समझ चुका है. दैट इज़ वाई ही इज़ मोर बेनिफिशियल एज कम्पेयर टू द न्यू एम्प्लॉयज़. वो कैसा आएगा, उसकी क्या कैपेबिलिटी स्किल्स होंगी, ये अभी तक हमें कुछ पता नहीं होता है. देयर वोंट बी फर्दर कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट रीलोकेशन एंड ट्रेनिंग इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज. एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के केस में क्या हमें दोबारा से रिक्रूटमेंट रिलोकेशन या उसको दोबारा से ट्रेनिंग नहीं देनी है, बिकॉज ही हैज़ फिनिश्ड ऑल दो स्टेजेस और उसके बाद वो एडजस्टमेंट स्टेज भी उसने पूरा कर लिया है, अब वो परफॉर्मेंस स्टेज में आ गया है. दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू फोकस मोर ऑन दिस एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़, कि आप उसको सेटिस्फाइड, आपके ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसीजर्स पॉलिसीज इस तरीके से बनाएं कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं वो छोड़ छोड़ के ना जाना चाहें या आपका टर्नओवर रेट आप कम कर सकें. थैंक यू. अगर आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है ये जानना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए वीडियो पे क्लिक करिए, और अगर आपको फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ना है तो उसके लिए भी आप नीचे वीडियो को क्लिक करें. थैंक यू. And also please subscribe and add comments.